वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस। आज मेरा ये दूसरा व्लॉग है और आज मैं आपको घर से धान जो जाता है खेतों में लगा होता है उसे पूरा मंडी तक दिखाऊंगा दोस्तों कि ये कैसे हम लेके जाते हैं। मेरे पापा किसान हैं दोस्तों, हम धान गेहूं उगाते हैं और मंडी में हम पहुँचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा कि ये मतलब कैसे खेतों से उगा के काट के किस प्रोसेस से इसको मंडी तक पहुँचाया जाता है, मंडी से कौन लेके जाता है, फिर ये आप तक कैसे पहुँचता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा। तो दोस्तों कल सुबह हम चलेंगे 3 बजे मंडी और आज की डेट है दोस्तों 11 तारीख, कल 12 सुबह 3 बजे दोस्तों हम चलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों देखिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों हम खेत में आ चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि धान का पेड़ किस प्रकार से होता है, फिर उसे काटने के बाद कैसे रखा जाता है, फिर कैसे बांध के उसे झाड़ा जाता है, फिर उसमें से जो कबाड़ होता है वो ट्रैक्टर के पंखे से उसको साफ़ करा जाता है। तो मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि धान का पेड़ किस प्रकार से होता है, जो गाँव के लोगों को पता होता है लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको इतना नहीं पता होता। तो ये स्पेशल वीडियो वैसे शहर वालों के लिए है, आप सोचोगे कि क्या दिखा रहा है ये। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको कैसा है पेड़। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का पेड़ होता है, इसमें धान है, इसको चावल कहते हैं। ये एक पूरे खेत में लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों वो जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा है वहाँ पे, वो दूर वहाँ से दोस्तों उसको झाड़ने के बाद उसमें से कबाड़ को पंखे के द्वारा उससे साफ करा जाता है। और दिखाता हूँ जब ये कट जाता है तो इसको इस प्रकार काटा जाता है। काटने के बाद ये इसको कुछ दिन डाले रखते हैं खेत में और फिर उसको उसके एक दो दिन बाद उसको बांध दिया जाता है। जो आप देख रहे हैं ये ऐसे बांधने के बाद जो लेबर होती है वो इसको लोहे के ड्रम पर इनको झाड़ती है और फिर ट्रैक्टर के द्वारा पंखे से साफ़ करा जाता है। फ्रेंड्स तो हम अपने खेत में आ चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि धान की डेरी साफ होने के बाद कैसी होती है और जो खाली पेड़ बच जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं। दोस्तों ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये जो खाली खाली से कबाड़ सा पड़ा है, इनको ना धान के पूले कहा जाता है। इनको भी खरीद लिया जाता है और इन्हें जो जिनके पास ना पशुपालन जो करते हैं ये वो खरीद के लेके चले जाते हैं और ये पशुओं को खिला देते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि धान की डेरी किस प्रकार से है, ये देखिए। ये दोस्तों धान साफ होने के बाद इसको पल्लड़ पे रखा जाता है, फिर ट्रॉली में इसको भर के मंडी पहुँचाया जाता है। और वो दूसरे खेत में हमारा धान साफ हो रहा है ट्रैक्टर से, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये इसके खाली जो कबाड़ है धान का पेड़, ये साइड में डाल देते हैं इनको झाड़ने के बाद। तो दोस्तों चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे साफ होता है ये। और ये जो ड्रम पड़े हैं ना इनके ऊपर ही धान को झाड़ा जाता है और उधर कुछ लेबर उधर धान को बांध रही है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों ये मंडी तक कैसे पहुंचेगा इसकी पूरी प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूं। इसी प्रकार से खेत से काट के इसको साफ करके ट्रॉली में भर के इसको लेके जाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना।